दिल्ली में बीजेपी को बड़ा झटका, तीन बार के पार्षद और तीन बार के विधायक ब्रह्म सिंह तंवर आम आदमी पार्टी में शामिल। अरविंद केजरीवाल ने ब्रह्म सिंह तंवर को दिलाई पार्टी की सदस्यता। दो बार मेहरौली और एक बार छतरपुर से रह चुके हैं विधायक। छतरपुर से आप दे सकती है टिकट। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता आरसीपी सिंह ने बनाई अपनी पार्टी आप सबकी आवाज, आरसीपी सिंह की पार्टी का नाम। मुंबई कांग्रेस के पूर्व नेता रवि राजा बीजेपी में शामिल। देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में ली पार्टी की सदस्यता, टिकट नहीं मिलने से थे नाराज। गुजरात के कच्छ पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, बीएसएफ के जवानों के साथ मना रहे हैं दिवाली। प्रधानमंत्री मोदी ने जवानों को मिठाई खिलाई। कच्छ में तैनात बीएसएफ जवानों का उत्साह बढ़ाया। हर साल जवानों के साथ ही पीएम मनाते हैं दिवाली। पटेल की जयंती पर पीएम मोदी गुजरात के केवड़िया पहुंचे, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर पुष्पांजलि अर्पित की। केवड़िया में राष्ट्रीय एकता दिवस परेड का भी आयोजन किया गया। पीएम मोदी भी शामिल हुए, लोगों को दिलाई राष्ट्रीय एकता की शपथ। केवड़िया में पीएम मोदी ने कहा, बीते 10 साल का कालखंड देश की एकता और अखंडता के लिए उपलब्धियों से भरा रहा। पीएम मोदी ने देश तोड़ने और बर्बाद करने वालों को पहचानने की बात कही। छंद लोगों से मुकाबला करना होगा, देश में अराजकता बर्दाश्त नहीं, ये भी कहा। मोदी ने कहा, ये लोग देश का विभाजन करने में लगे हैं, एक हैं तो सेफ हैं, इसे गलत प्रचारित किया जा रहा है। अर्बुन नक्सलियों के गठजोड़ को भी पहचानने की जरूरत। चीन के साथ बनी सहमति पर राजनाथ सिंह का बयान, एलएसी से सेना के पीछे हटने की प्रक्रिया पूरी, पेट्रोलिंग को लेकर भी चीन के साथ सहमति बनी। एलएसी पर आज से भारत और चीन की सेना की गश्त डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया पूरी, देपसांग और डिंगचौक से दोनों देशों की सेनाएं पीछे हटी। एलएसी पर जारी रहेगी सेना के ग्राउंड कमांडर्स की बातचीत। भारत चीन सीमाओं के बीच दिवाली की मिठाई का हुआ आदान प्रदान। ग्वालियर में आज से आरएसएस के प्रचारकों की 5 दिवसीय बैठक, 554 प्रचारक बैठक में शामिल होंगे, 4 नवंबर तक मीटिंग चलेगी। दीपावली के अवसर पर पीएम मोदी ने ट्वीट किया, देशवासियों को दिवाली की बधाई दी। दिवाली के मौके पर उज्जैन के महाकाल मंदिर में विशेष आरती का आयोजन, बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। दीपावली के मौके पर अयोध्या में राम मंदिर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, दर्शन कर रामलला का आशीर्वाद लिया। अयोध्या में हनुमानगढ़ी मंदिर भी पहुंचे सीएम योगी, पूजा अर्चना कर बजरंग बली का आशीर्वाद दिया। मुंबई में महालक्ष्मी मंदिर में भक्तों का सैलाब उमड़ा, दिवाली के अवसर पर श्रद्धालुओं ने दर्शन किए।